नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, वारिस यानी उत्तराधिकारी, जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाता है, जो हमारे वंश वेल बढ़ाता है, हमारे परिवार का नाम और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, हमारे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत रखता है और उस कुल में चार चांद लगाता है, सही मायने में वही वारिस कहलाता है। पर दादा दादा पिता पुत्र और पौत्र, इसी प्रकार से ये पीढ़ियों को सम्मान दिलाना एक वारिस का कर्तव्य होता है, जिसे जीते जी सम्मान दिलाना और मृत्यु के बाद सुचारू रूप से क्रियाक्रम करना और जीवन भर पिता का श्राद्ध करके उन्हें मुक्ति प्रदान करना ही वारिस का कर्तव्य होता है। समाज में सत्कर्म करना, दीन दुखियों की मदद करना, सभी रिश्तेदारों से मेल मिलाप करना, घर में आए मेहमानों का आवभगत करना इत्यादि काम वारिस के होते हैं। पुराने जमाने में लोगों को समाज की परिवार की इज्जत आबरू की चिंता रहती थी, किंतु आज का समय पैसे के पीछे पागल है। जबकि पैसा भी जीवन में आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे अपनों की बलि चढ़ा देना उचित नहीं है। पहले सामूहिक परिवार होते थे और कई दादा जी जो 5-7 भाई बहन होते थे, घर में प्रेम की गंगा बहती थी, बंटवारा नाम की चीज नहीं होती थी। जो भी घर का बड़ा होता था वो सारी जिम्मेदारियों को सही ढंग से सभी में बांट देता था और बड़े से बड़ा प्रसंग बहुत ही सुंदर ढंग से होता था, किंतु आज भाईचारा जैसा समाप्त हो गया है। घर घर में बंटवारा देखते हैं। आज भी हमारे समाज में माँ बाप की पूरी इज्जत और सम्मान किया जाता है, लेकिन आज कानून व्यवस्था ने बेटी को भी संपत्ति का हिस्सेदार माना जाता है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि अपने माता पिता का दायित्व तो नहीं उठाते या सारी जिंदगी अपनी बेटियों को ही पूरी करनी पड़ती है। बेटियां ही माता पिता की जिम्मेदारी उठाती है, वरना बेटियों का मायका ही समाप्त हो जाएगा। हिस्से लेने के बाद कोई भी भाई या भाभी रिश्ता निभाने से दूर भागेंगे, इसलिए हमें बुद्धि से युक्ति निकालनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज के समय बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं मानते, किंतु यह भी तो गलत है कि हम अपनी माँ की जिम्मेदारी बेटा बहुत सुंदर ढंग से करे और माँ बेटियों को हिस्सेदारी बात करें। ऐसा एक उदाहरण मेरे पास आया था, लेकिन मैंने बेटियों की हिस्सेदारी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा कि जब माँ की पूरी जिम्मेदारी बेटा निभाता है और बहनों की भी पूरी तरह से देखरेख करता है, ख्याल करता है, बुलाता है समय समय पे, सभी प्रसंग पूरा करता है, तो बेटियों की हिस्सेदारी क्यों, क्या उन्हें मायका नहीं चाहिए? तो माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि कुछ देना। मैंने कहा, आप चारों बेटियों को 5-5 लाख दे दें, किंतु इस प्रकार की बात तो मत कर कीजिए। मुझे अफसोस होता है कि ऐसी भी बेटियाँ हैं जो पीहर से हिस्सा चाहती है। हाँ, अगर परिस्थिति में गड़बड़ी हो तो अवश्य हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर कोई अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या वृद्धा आश्रम भेजता है तो वो दया के भी पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इतना ही नहीं, बड़ों को अपनी वसीयत अवश्य बनानी चाहिए। हमारे समाज में एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सब को पूत तो क्या धन संचय। ये सोचने का विषय है। हमें अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा सोच समझ के अच्छी सूझबूझ से काम करना चाहिए, जिससे आपका वारिस के मन में कोई गलत फहमी ना हो और भाई भाई आपस में प्रेम से रहे, उनमें कभी कोई दीवार न खींचे, बंटवारा ना हो। अगर अलग अलग भी रहते हैं तो भी प्रेम से रहे, दूर होकर भी प्रेम निभाया जा सकता है। और अगर हम वारिस हैं तो हमें अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और दायित्व निभाना चाहिए। धन्यवाद।